आदाब सलाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के आंसर की के रिगार्डिंग, उसी के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं अभी यहाँ पे हूँ, जो मैं आप सभी को लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज यानी कि 12 मई 2022 के रिगार्डिंग CEN 1/2019 NTPC CBT1 लेवल 4 व 6 के लिए प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देखने और प्रश्न विकल्प कुंजी पर आपत्ति यदि कोई हो उठे उसे उठाने हेतु ये सूचना है, जो मैं आप सभी के सामने लेके हाजिर हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मैं ये नोटिफिकेशन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नोटिस में क्या लिखा हुआ। तो चलिए, यहाँ में हम आ गए हैं कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं CEN 1/2019 विभिन्न NTPC स्नातक और अनस्नातक पदों के भर्ती के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 2, प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देखना, प्रश्न पत्र विकल्प कुंजी पर आपत्ति उठाना यदि कोई हो। ये आज बहुत बड़ा नोटिस आ गया कि CEN 1/2019 के अंतर्गत वेतन स्तर 6 और 4 के लिए द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिनांक 9 और 10 मई 2022 तक आयोजित की गई है। इस CBT 2 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजी देखने के लिए आरआरबी की वेबसाइटों का एक लिंक प्रदान किया गया है, जो कि दिनांक 13 मई 2022 से शाम के 5 बजे से लेकर 18 मई 2022 के रात के 11:55 तक वो एक्टिव रहेगा, यानी कि कल से ये लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा है, उपरोक्त विवरण को देखने के बाद प्रकाशित प्रश्नों, विकल्पों और कुंजी के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो अभ्यर्थी द्वारा उठाई जा सकती है, जिसके लिए समय सारणी और शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसका मतलब है कि आप समझिए, 9-10 को एग्जाम होता है और 13 को आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत जल्द लेने की योजना बन सकती है। जुलाई में कहा गया, जुलाई में संभव हो सकता है। गतिविधि देखिए, एक प्रश्न विकल्पों और कुंजी के विरोध आपत्तियां देखना और उठाना और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए 13 मई 2022 से लेकर 5 बजे के बाद या 18 मई 2022 के रात के 11 बजे तक आप पैसा भुगतान करके आप अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे शुल्क के बारे में लिखा गया है कि आपत्ति उठाने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपया प्लस बैंक का जो चार्ज है प्रति प्रश्न है। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई गई तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क अभ्यर्थी को लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद वापस कर दिया जाएगा, यानी कि रिफंड उस खाते में किया जाएगा जो अभ्यर्थी ऑनलाइन भरते हुए जिससे भी आप करेंगे। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं, सभी बैंक के रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। SBI के वीजा डेबिट कार्ड की अनुमति है या आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो उससे आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपत्ति उठाने की जो प्रक्रिया है वो है आवश्यक दिशा निर्देश के साथ विस्तृत प्रक्रिया आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि और समय से पहले अर्थात 18 मई 2022 को 11:55 से उठाएं, जिसके बाद प्रश्नों, विकल्पों, कुंजी आदि उम्मीदवारों के किसी भी प्रतिनिधित्व पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा अगर आप 18 मई के रात के 11 बजे के 11:55 से पहले नहीं करेंगे तो। उठाई गई आपत्तियों पर आरआरबी के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इसे मामले में भर्ती से कोई आगे पत्राचार नहीं किया जाएगा। आज के डेट में नोटिस है, आप यहां पे देख सकते हैं, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का यहां पे है। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।